तो नाज़रीन अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रायकोट, और जैसे कि मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि ये जो रास्ता है ऊपर ये जा रहा है फेरी मेडोज, और यहाँ पे जीप्स वगैरह भी आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। और बेसिकली अभी हम लोगों ने तत्ता पानी जो है वो क्रॉस किया है और पहुँच चुके हैं रायकोट, क्योंकि हर आधे घंटे बाद हर इस महीने पक्का वॉशरूम जाना होता है, तो उससे हम रुक जाते हैं। ये आप लोग बेहतरीन से मौसम चेक करें, अब तो खैर जब जैसे जैसे हम आगे जाते आ रहे हैं हल्की हल्की धूप है, वरना जहाँ तक पहले थे जगलोड तक वहाँ तक तो बादल ही बादल थे। अभी ये है कि जो जावेद साहब हैं वो कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं शापर के साथ वायरिंग का, मैकेनिक जावेद, अभी वो जुगाड़ लगा रहे, वो जुगाड़ कामयाब हो गया तो हम सफ़र आगे कंटिन्यू करेंगे बस। सर हाजरी, ये भी हमने लिफ्ट लिया वहाँ के गाड़ी तक जाने के लिए, शुक्र है मिल गया, वरना जितना हमने वहाँ से पैदल चल के आ रहे थे तो वहाँ से तो हमारी बस से जाने जाएंगे। और अब बारिश भी शुरू हो चुकी है, कतरे महसूस हो रहे हैं ऊपर हल्के हल्के आ रहे हैं, ठंड भी ज़्यादा हो गया। उस दिन तो मैं जब घूमता गया तो जैकेट लेके गया था लेकिन वहाँ काम नहीं आई, तो आज मैं नहीं लेकर आया, और आज यहाँ पहुँचे हैं तो बारिश शुरू हो गई है। तो नाज़रीन अभी हम लोग वापस आ चुके हैं, और बेहतरीन खूबसूरत सी सामने वो रेनबो आप देखें नज़र आ रही होगी, है ना, उसके बाद काम ख़राब हुआ है सही। तो नाज़रीन चावल जो चुके हमारे रेड भाई, चावल बन गए ना, इसके अंदर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, में वेलकम बैक हो गया आप सबका इन टू अनदर वीडियो। और ख़वातीन वज़ाद आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। तो नाज़रीन कमरा देख के आप लोगों को पता लग गया होगा कि क्या सीन है, मैं वापस क्लास में हूँ और आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। व्लॉग हमारा जब अचानक ही शुरू हो रहा है, ऐसे आज कोई प्लान नहीं था हमारे कहीं जाने का, मैं भी उठा ही हूँ और पता चला कि भाई आज हमारा प्लान है नलतर वैली का, तो यहाँ से नलते तक लगते हैं 4 घंटे, अभी टाइम तकरीबन हम लेट ही हैं, तकरीबन 10:30-11 हो रहे हैं। और सामने मेरा नाश्ता आ चुका है, नाश्ते में हमारे पास ऑमलेट है, पराठा है और दही है, और बस यही है कि बस अभी मैं रेडी हो चुका हूँ बिल्कुल, बस नाश्ता करना है, गाड़ी रेडी है, नाश्ता करके फिर निकलते हैं सफ़र पर और आपको बताते हैं कि क्या सीन है। तो भाई साहब नाश्ता करते हैं जी शुरू। आह हा हा, हाँ तो भाई नाश्ता हमारा जो है वो अंजाम पहुँच चुका है, और बस अभी निकलते हैं बाहर और देखते हैं क्या सीन है। गाड़ी तो सामने ही खड़ी है लेकिन गाड़ी में कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, कॉल करके पता कर दूँगा किधर है, वो लोग भाई मैं रेडी हो चुका हूँ चले। और ये आप लोग चेक, आज मौसम काफ़ी अच्छा, कल से खैर काफ़ी अच्छा मौसम है, बादल बादल है, बाकी तो गर्मी होती है यहाँ पर, सामने बेहतरीन से पहाड़ है और इधर भी, तो बस अभी हारिस का वेट करते हैं, वो किधर में उसको कॉल करके पूछते हैं कि वो किधर है। तो भाई गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, बस अंदर बैठते हैं, टाइम तकरीबन हो चुका है 10:30 का, बहुत लोग आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अपना सफ़र का फिर आगाज़ करते हैं। A few moments later. तो नाज़रीन अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रायकोट, और जैसे कि मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि ये जो रास्ता है ऊपर ये जा रहा है फेरी मेडोज, और यहाँ पे जीप्स वगैरह भी आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। और बेसिकली अभी हम लोगों ने तत्ता पानी जो है वो क्रॉस किया है और पहुँच चुके हैं रायकोट, ये सामने यहाँ से जो है वो रायकोट का ब्रिज है, और आज फिर से हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अबरार ड्राइविंग सीट पर एज़ यूजल, और अभी बड़े सीरियस होकर वो गाड़ी चला रहे हैं, आगे देख रहे हैं, और पीछे हमारे साथ मौजूद हैं जावेद भाई और हारिस भाई, हारिस भाई को तो आप लोग जानते ही होंगे, आज जो हमारे साथ नए हैं ना वो जावेद भाई हैं। हाँ मज़े की बात ये है कि हम लोग जितने भी ट्रिप पे गए हैं ना, पहले ट्रिप पे हम लोग गए बाबू सर तो उस दिन हमारे साथ गनी था, फिर हम सेकंड ट्रिप पे हमजा गए तो उस दिन हमारे साथ रोनवास थे, आज हम थर्ड ट्रिप पर जा रहे हैं तो आज हमारे साथ, मतलब हर ट्रिप पर हमारे साथ एक जो है ना वो नया बंदा ज़रूर होता है। तो आप में से कौन कौन गया हुआ है नलतर पहले, आप गए, आप ही नहीं गए अबरार साहब, आप मतलब हम तीन बंदे जो पहले हो जा रहे हैं, और जो हारिस भाई है ना ये पहले जा चुके हैं, ये पहले जा चुके हैं, तो हम आए, और ये वो जगह आपको याद होगी जहाँ हम रुक के वो नीचे देख रहे थे, और मैं जगह पे तो हंस रहा था, मैंने वहाँ पे ये बोला मतलब ये बताना था ना कि यहाँ पे समंदर जो है वो स्क्वीज हो जाता है तो प्रेशर जाता है, मैं वीडियो में बोल रहा था यहाँ समंदर छोटा हो जाता है, मैं भी हंस रहा था, मामू भी देख रहे, वो भी हंस रहे थे कि ये तो क्या कह रहा, समंदर छोटा हो जाता है। तो बस बेसिकली हम तकरीबन अब सर कितना 1.5 घंटे और सफर रहेंगे, होगा हाँ 1.5-2 घंटे लगेंगे नलतर पूरा, नलतर पहुँचने हाँ नलतर जो वैली है वहाँ तक उससे आगे तो टाइम तकरीबन हो चुका है 12:30 का, और बस अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं और आपको फिर हम साथ अपडेट करेंगे। तो नाज़रीन ये जो जगह आप देख रहे हैं ये वही है नांगापुर का व्यू पॉइंट, और ये वो होटल है जहाँ पर हमने किया था नाश्ता, तो बस यहाँ आज तो मौसम ही बड़ा बेहतरीन सा हो गया, उस दिन तो धूप थी बट आज जब भी हम जहाँ से जब से निकले हैं ना
तो बिल्कुल बादल ही बादल हैं सारे। उस दिन हम लोग गए थे तो धूप थी, खैर वो भी मजे के मौसम था, बट ये है कि आज जो है वो ज़्यादा बेहतरीन किस्म का मौसम हुआ है। हाँ तो भाई ये भी हम लोग बीच में रुके हैं पेट्रोल पंप पे एज़ यूजुअल। हारिस भाई को जो है वो वॉशरूम जाना था तो हम उसमें रुके हैं, क्योंकि हर आधे घंटे बाद हारिस भाई ने पक्का वॉशरूम जाना होता है तो उससे हम रुक जाते हैं। ये आप लोग बेहतरीन से मौसम चेक करें। अब तो खैर जब जैसे जैसे हम आगे जाते आ रहे हैं हल्की हल्की धूप है, वरना जहाँ तक पहले थे जगलोड तक वहाँ तक तो बादल ही बादल थे। अभी भी इस साइड पे काफ़ी बादल हैं, इस साइड पे कम है, बस जैसे अब हारिस भी आ गए और अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं आगे। तो नाज़रीन ये भी बाजार से दनिया और ये जो है ना लेफ्ट लेफ्ट यहाँ से ये सीधा जा रहा है आगे जिधर हम गए थे उस दिन उंदा की तरफ, और ये लेफ्ट जो है ये हम जा रहे हैं नलतर की तरफ, यहाँ से मुड़ेंगे लेफ्ट। तो नाज़रीन यहाँ से मुड़ने के बाद ही सामने एक बेकरी है, हमने कहा बेकरी से कुछ खाने पीने को ले लेते हैं जो कि हम आगे अब सफ़र में खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी जावेद भाई, क्या लेंगे आप? चिप्स वगैरह ले लेते हैं, जूस ले लेते हैं। हाँ तो भाई सवाल हम लेकर वापस पहुँच चुके हैं गाड़ी की तरफ। चलो चलें बाजार साहब। तो नाज़रीन उस रोड पर सीधा आते हुए आगे अब ये चौक मिलेगा, यहाँ से आपने जाना है राइट साइड पे। ये आप लोग नजर आ रही होगी, ये है काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जहाँ से आप चौक राइट मुड़ेंगे तो ये आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी और फिर हम सीधा आगे जा रहे हैं यहाँ से। तो नाज़रीन ये जगह आप जो देख रहे हैं लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था, वो जो मुझे होटल के साथ रास्ता आ रहा था ना, होटल के साथ से रास्ता तो मैंने दिखाया था कि वहाँ से भी आप लोग आ सकते हैं। तो ये जो पीछे जंक्शन था ना होटल का रास्ता यहाँ पे आके मिलता है, और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये भी, तो अब यहाँ से हम एक ही रोड हो जाता है जो जा रहा है आगे नलतर की तरफ। A few moments later. तो नाज़रीन अभी हम लोग यहाँ पे रास्ते में रुके हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं जूस और केक ब्रेक, हम ये तो रुक के खाते हैं। और ये सामने ऊपर आप लोगों का एक पावर प्लांट भी नज़र आ रहा होगा, और इस तरफ जो है पानी गुजर रहा है नीचे। ये बात पावर प्लांट ही है ना इसके ऊपर पावर प्लांट, और ये वो नलतर वैली का से पानी आ रहा है नीचे वाला। ये आप लोग बेहतरीन से नज़ारे चेक कर रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा रोड है। पहले तो हारिस बता रहे हैं ये रोड नहीं बना हुआ था, बट अब जो है वो पूरा एंड तक सारा बेहतरीन रोड बना हुआ है। तो ये हमारी अभी जो है पार्टी चल रही है बीच में रस्ते के, ये करके और फिर हम आगे अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। अभी कितना टाइम रह गया? हाँ तो भाई ब्रेक टाइम हो गया ओवर, अभी अपना सफ़र करते हैं कंटिन्यू। तो नाज़रीन ये रास्ते में आते हुए यहाँ पे आपको ये ब्रिज मिलेगा, यहाँ पे पुलिस की चेक पोस्ट है, जो कि फिर गाड़ी की जहाँ एंट्री यहाँ पे करानी पड़ती है, और एंट्री करवा के फिर वो आगे आपको अलाउ करता है आगे जाने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा होटल भी है और बस एंट्री करा ली हमने और अभी आगे चल रहे हैं। तो नाज़रीन अभी रास्ते में जाते जाते एक मूवमेंट हो गया, गाड़ी का थोड़ा सा जो है वो मसला निकल आया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ अभी ये है कि जो जावेद साहब हैं वो कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं शापर के साथ वायरिंग का, मैकेनिक जावेद अभी वो जुगाड़ लगा रहे, वो जुगाड़ कामयाब हो गया तो हम सफ़र आगे कंटिन्यू करेंगे। बस थोड़ा सा ही रह गया 10-15 मिनट और आगे, ये नीचे बेहतरीन सा जो है वो पानी जा रहा है, मैं चेक करूँ, बड़ा यख ठंडा पानी है यार, लोग चेक करें मतलब पानी की स्पीड चेक करें आप लोग। तो बस ये है कि वो जुगाड़ हमारा कामयाब हो जाए तो बस फिर हम आगे सफ़र अपना करते हैं कंटिन्यू। चले भाई जुगाड़ टेस्ट करने का मोमेंट आ गया, द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई लग तो यही रह गया जावेद साहब का जुगाड़ जो है वो काम कर गया है, तो अभी गाड़ी के अंदर बैठते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या भाई सुनचार बनती है। चले भी टेस्ट करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई लग तो यही रहा है कि जुगाड़ जावेद साहब का काम जो है वो कर चुके हैं, जुगाड़ कामयाब हो गया इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो नाज़रीन हमने अब गार्ड साहब से कहा था कि गाड़ी को जाके जरा चेक करके आएंगे सही चल रही है, वो चेक करने के लिए वो दूर तो 2 किलोमीटर दूर जाके वहाँ पर खड़ी किया गाड़ी, और हम लोग वहाँ से उस बोर्ड के पास पैदल चलना शुरू किया और हम आगे सारा पैदल जा रहे हैं। तो नाज़रीन ये भी हमने लिफ्ट लिया वहाँ के गाड़ी तक जाने के लिए, शुक्र है मिल गया, वरना जितना हमने वहाँ से पैदल चल के आ रहे थे तो वहाँ से तो हमारी बस जानी थी, तो ये गाड़ी जा रही है इसी में, मैं तो कहते चलते हैं। अब ऐसा करते हैं अपराध जी खड़े रहे, हम इसी पे आगे चलते हैं, अब तो नज़र भी नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। वो खड़ी हुई है गाड़ी हमारी,
आ जाओ तो अंदर बैठ के चिप्स एंजॉय कर रहे, चिप्स खा रहे हैं, हमें पैदल खुआर करवा रहे हैं। तो नाज़रीन अब अबरार साहब आ रहे हैं पीछे पीछे, हमने क्या उन्होंने हमें मिस कराया, हम इसी गाड़ी में आगे जा रहे हैं। बेहतरीन से नज़ारे आप लोग चेक करें, खूबसूरत से, और अब तो हवा भी ऐसे हो जाएगी, बहुत बेहतरीन ठंडी होती जा रही है, और सामने बेहतरीन से बादल भी हैं, हवा खाते हुए जा रही है। तो नाज़रीन ये सामने अब एक चेक पोस्ट और ये कुछ होटल वगैरह जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन ये भी हम लोग यहाँ तक, हमारी लिफ्ट जो है वो ख़त्म हो गई है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अंदर जाना था, बट खैर अब यहाँ से हम अपनी गाड़ी में ही जाएंगे। ये जो पॉइंट है यहाँ पे दोबारा एंट्री होगी गाड़ी की, तो वो पीछे वो लोग एंट्री कर रहे हैं गाड़ी की, और ये आप लोग चेक करें बेहतरीन से नज़ारा। मैं वापस उन्हीं के पास जा रहा हूँ, फिर अपनी गाड़ी में बैठ कर आगे सफ़र कंटिन्यू करते हैं। नहीं अब साहब आप हमें ये बताएं, हमने आपसे कहा थोड़ा सा आगे जाएँ, आपको 3-4 किलोमीटर आगे खड़े हो गए हैं। आपसे भी पहले बेहतरीन, और हवा खाते हुए एंजॉय करते हुए हम लोग। हाँ जी आरिस भाई, क्या अपडेट है, यहाँ से भी आगे किधर जाना है? इधर ये जो रियल रास्ता जा रहा है सामने, हाँ तो भाई फाइनली अभी हम ऊपर ये वैली के अंदर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एक होटल था, उसके पार्किंग हमने गाड़ी खड़ी की है, और सबसे पहले तो वॉशरूम जाना है, इनसे पूछते हैं वॉशरूम का क्या हिसाब किताब है। तो भाई ये उन्होंने मुझे चाबी दी, उन्होंने कहा यहाँ पे जाओ, यहाँ पे वॉशरूम है, तो इसे खोलते हैं चेक करते हैं। 50 रुपये का यहाँ पर लगा, मैं तो सोच रहा चाबी मेरे पास, यहाँ बैठते लोगों से 50-50 रुपये लेता हूँ। मस्त प्लान है, VIP बिजनेस, खुल जा सेम। हाँ भाई ठीक है वॉशरूम। हाँ तो नाज़रीन ये भी हम लोग यहाँ पे नीचे आए थे कि यहाँ पे होटल था, यहाँ पे आके हम बैठे हैं। कि मेरे पीछे एक मौसम आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, पहाड़ों पे धूप और ब्लू जो आसमान है, अभी मैं यहाँ से घुमाता हूँ, यहाँ पे आप मौसम देखें, फिर ये चेक करें, मतलब बेहतरीन। वहाँ पे आगे बारिश भी हो रही है, ये बादल पहले काफ़ी पीछे थे, अभी जो है वाइस वाइस आगे आते जा रहे हैं, और बारिश की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। और हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ हमने तिखों का कुछ सीन बनाना है, और पुलाव भी अंदर बन रहा है, तो ये आप लोग मतलब चेक करें जो उस साइड का मौसम है, मतलब क्लियर मौसम, बादल हैं हल्के फुल्के, और वहाँ पे आसमान में अभी तेज़ हवा भी शुरू हो चुकी है, और जब हम आए थे वो वाले बादल पहाड़ भी सारे विजिबल थे, ग्लेशियर नज़र आ रहा था, लेकिन अब जो है ना वो बारिश आहिस्ता आहिस्ता आगे आती जा रही है, या आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, मतलब क्या बेहतरीन मौसम है, बेहतरीन वैली, और आप लोगों के सामने वो क्या मतलब बेहतरीन सा मौसम है। आरिस भी क्या सीन है, खाने खाने का क्या प्रोग्राम बनाया हुआ है? नहीं होता यार, प्रोग्राम तो बढ़ गया यार, ये बदल चेक करें आप लोग। वहाँ का मौसम चेक करें, और जैसे जैसे ये ट्रांजिशन होती जा रही है, आप देखिए काले से आप बादल आपको नज़र आएंगे, और आप बारिश भी शुरू हो चुकी है, कतरे महसूस हो रहे हैं ऊपर, हल्के हल्के आ रहे हैं, ठंड भी ज़्यादा हो गई। उस दिन तो मैं जब घूमता गया तो जैकेट लेके गया था, लेकिन वहाँ काम नहीं आई, तो आज मैं नहीं लेकर आया, और आज यहाँ पहुँचे हैं तो बारिश शुरू हो गई है। अभी 2-3 बंदे और हैं हमारे, वो भी आ रहे हैं, तो टिकों का सामान जो है वही लेके आ रहे हैं, चिकन है और बाकी कोयले वगैरह हैं, पुलाव जो है वो यहाँ पे रेडी हो रहा है, और टिक्के फिर वो सामान लें तो हम लोग रेडी करेंगे, वो सामने की टीम ने आप लोगों को बताई थी पहले, लेकिन ये है कि आने के पैसे वसूल हो गए, बड़ा बेहतरीन सा मौसम हो गया, बारिश शुरू होगी, यहाँ पे सारे कतरे आ रहे हैं, अब तो बिल्कुल वो पहाड़ विजिबल ही नहीं है वहाँ से, बिल्कुल वहाँ बारिश शुरू हो चुकी है। तो ना जी यहाँ पे हमारे चावल जो है, गोश्त जो है वो प्रेशर लगा हुआ है, ये फ्राइज बन रही है यहाँ पे, और अब तो काले बादल बिल्कुल आगे तक भी जा रहे हैं, ऐसे ऐसे सारे वहाँ से कवर होता जा रहा है। हाँ जी आ रही सही, देखो ना प्रोग्राम बढ़ना जो है लगाएंगे, खैर मज़ा अभी इसी मौसम ही आएगा। हाँ अबरार खान, अबरार खान मेरे बड़ा परेशान था, लेकिन अब मौसम ठीक हुआ है तो मूड ठीक हो गया। तो नाज़रीन ये एक दस बकरी भी अब जो पहले वहाँ घूम रही थी, अब बारिश चुप के यहाँ अंदर आ गई है इधर। हेलो जी,
क्या कहना चाहेंगे आप इस मौसम के बारे में? चुप कर बे कुत्ते। हाँ तो भाई अभी हम लोग आगे गए थे, अपने बाकी जो तीन लोग आ रहे हैं उनको देख रहे हैं, कोई उनका नामो निशान नहीं है, ना उनसे कोई रब्ता हो रहा है और ना ही कोई उनका नामो निशान है कि वो कब टिके, और उसको पहले साबुनी के पास है वो पता नहीं कहाँ रह गए हैं। बारिश जो है वो अभी रुक चुकी है, बादल जो है हमारे साथ आगे की तरफ अब जा रहे हैं। तो नाज़रीन अभी हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं वापस, और हम जाएंगे नीचे जहाँ पे वो एंट्री वगैरह हमने की थी उस जगह के करीब करीब, वहाँ को जाके देखेंगे कि वो किधर रह गए हैं। तो बस अभी गाड़ी में बैठते हैं, नीचे जाते हैं, फिर वापस ऊपर आएंगे। अभी हमने उसको बोला है कि पुलाव जो है तुम बनाओ, हम वापस आ रहे हैं। तो बस यहाँ से अभी गाड़ी निकाल के चलते हैं नीचे, सामने आप ऊपर देखें वहाँ पर एक ग्लेशियर आपको नजर आ रहा होगा। बारिश ओह भागो भागो भाई, राम साहब खोलो। सही टाइम पे हम गाड़ी में आए हैं, सही टाइम पे गाड़ी में आए हैं। तो भाई बारिश अब हल्की हल्की रुक चुकी है, और हम लोग अब नीचे सफर हमने शुरू कर दी नीचे उनको ढूंढने के लिए। वो मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो फिर हम लोग वापस यहीं ऊपर आ जाएंगे। हाँ तो भाई फाइनली उस सामने जो गाड़ी आ रही है वो है, वो लोग पहुँच चुके हैं वो, और हम लोग यहाँ पर रुक के उनका वेट कर रहे हैं। बेहतरीन सी आबशार आपको नज़र आ रही होगी, आबशार कह रहा हूँ मतलब पानी यहाँ पर बह के आ रहा है, और बारिश जो है वो अब रुक चुकी है। तो यहाँ से गाड़ी मोड़ के अब चलते हैं वापस उसी जगह पे ऊपर। 2000 years later। तो नाज़रीन अभी हम लोग वापस आ चुके हैं, और बेहतरीन खूबसूरत सी सामने वो रेनबो आप देखें नज़र आ रही होगी। सामान हमारा का भी पहुँच चुका है सारा, और वो बादल जो है पासिंग क्लाउड से बाहर गुजर के नीचे क्लियर हो गया। अब राज साहब उधर चेक करें, बेहतरीन खूबसूरत सा रेनबो, क्या बात है जी। अब यहाँ से चलते हैं नीचे। तो नाज़रीन ये आप लोग चेक करें, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे कितने काले बादल थे, और अभी वहाँ से मौसम क्लियर होता जा रहा है, और थोड़े बहुत बादल यहाँ रह गए हैं, और बादल सारे जो हैं वो आगे चले गए हैं। रेनबो भी खूबसूरत सी नज़र आ गई आपको, और यहाँ भाई साहब हमारा जो सेटअप भी लगना शुरू हो गया, बारबेक्यू का कोयले आ चुके हैं, चिकन वहाँ पे अंदर, पुलाव भी तैयार हो रहा है, और बेहतरीन सा निज़ाम बन गया। तो नाज़रीन सेटअप जो है वो हमारा लग चुका है, और जो बंदे बाद में सजाए हैं उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। ये सामने जो है वे मोहसिन भाई हैं, ये आ रहे थे एक, और एक अदर जो थे वाशर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका हम इंतज़ार करते रहे, हम आपको ढूंढने नीचे भी आए हैं। खुश रखिए, आप इंतजार करते, असल में हम इंतजार जो था वो हमें टेंशन उनकी थी। तो भाई अभी ये सेटअप जो है बारिश भी तैयार, बारिश भी क्या यार, घंटे से आपसे कॉलेज नहीं चलाए जा रहे, बाकी काम क्या होगा। तो अभी क्या सीन है, लग जाएंगे 15-20 मिनट लग जाएंगे। अभी जो है वो दोनों गाड़ियां भी हम इधर ही ले आए थे, तो ये जगह ठीक है। अभी आप लोग मौसम चेक करें, मतलब उस टाइम काले बादल थे, अभी बिल्कुल क्लियर हो चुका है मौसम, और सामने ऊपर ऊपर धूप पड़ी, और अभी रेनबो जो है वो तक गायब ही हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले ना डबल रेनबोज थी, दो थी, एक नीचे एक उसके ऊपर, तो ये हिसाब किताब है। तो भाई अभी ये शिफ्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना ये ना प्रोग्राम बढ़ जाए सारा। हाँ यहाँ पे सही है। हाँ भाई हमारा प्लाव कहाँ तक पहुँचा है? रेडी हो जाएगा, क्या बात है जी, प्लाव रेडी है। हारिस भाई आप लेट हैं, काम हो रहा है, अभी अभी सही हो गया काम, अभी हवा आ रही है ना साइड से, तो आग लग रही है तेज। तो नाज़रीन ये भी आप लोग चेक करें, पहले तो लोग वहाँ ऊपर घूम रहे थे, यहाँ पे एक अदद कुत्ता भी बैठा हुआ है, काटा नहीं है भाई। अभी सारे बादल आगे जा चुके हैं, ये क्लियर हो गया सारा मौसम, अभी लोग सारे वहाँ पर बैठे हुए थे, बट अब कोई भी नहीं है बारिश की वजह से। हाँ तो भाई मेन जो असल सामान था वो आ चुका है, अभी हारिस भाई इनको सीखों पर लगा रहे हैं चिकन को, ये थोड़ी कोयले भी तैयार हो चुके हैं। तो नाज़रीन ये बन चुके हैं, अब इनको चेक करते हैं कि हारिस भाई ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया। अमानत है उरे आ रहा हूं। नाज़रीन अभी एक ऐसा ऐसा तरीके हमारे तैयार होने एंजॉय करते हैं खूबसूरत से व्यू के साथ। अब तो खैर सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये खाते हैं। तो नाज़रीन हारिस भाई अभी दोबारा अपने काम पर लगे हुए हैं, तो नाज़रीन चावल जो चुके हमारे रेड भाई चावल बन गया ना, ये इसके अंदर है
जो टाइम चेक कराएं जरा अंदर से। हाँ हाँ बेहतरीन भाई, चावल हो चुके हैं रेडी और ये भाई किसी और की कढ़ाई बना रहे हैं साथ। तो हमारा बात ये भी ठीक है, लोगों को क्या पता लगेगा। तो भाई कुछ जो चीज़ें बन गई हमने अंदर उसके अंदर रख दी हैं, बाकी जो है वो रेडी हो रही हैं। और ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले जब हम आए थे तब इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन बारिश के बाद से मौसम यहाँ बिल्कुल चेंज हो चुका है हल्के हल्के। उधर बस जो अब धूप रह गई है, बाकी तो अब सारी यहाँ तकरीबन शाम ही हो चुकी है, टाइम भी है तकरीबन 6:30 होने वाले हैं और सीखें जो है वो तकरीबन रेडी हो रही हैं। हाँ जी बिलाल साहब, क्या अपडेट है? ठंड है ना, मैं सुबह सोच रहा था कि जैकेट उठा लूँ, फिर मैंने कहा उनसे में ठंड नहीं है तो यहाँ भी गुजर है ना। नहीं बारिश से पहले गुजारा था है ना, उसके बाद काम खराब हुआ है। सही अब तो जावेद साहब भी उधर हाथ बांध के खड़े हो गए हैं, मोहसिन भाई ने तो शॉल लपेटी हुई है, घूम रहे हैं वीआईपी। जावेद साहब हाथ बांध के दूर अब खड़े हैं, ये अगर आज जावेद साहब ना होते ना और उनकी वो जुगाड़ ना काम आता तो हम यहाँ तक पहुँच भी ना सकते। आपका जुगाड़ कामयाब हो गया। बाकी सारी मैनेजमेंट तेरी ठीक है, आज तू मोरी कीती है ना चलो भाई टिक्के जो हो चुके हैं रेडी, मतलब बाकी जो हम करेंगे वो खाने के बाद। अभी हमने कहा चावल रेडी हैं तो जितने हो चुके हैं ये खा लेते हैं और फिर बाकी ये साथ साथ ये पकते रहेंगे, बस ये उतार लेते हैं जी। चादर के तौर पर हाँ ये भी ठीक है, अच्छा ऑप्शन है। हाँ तो भाई अभी हम बैठ चुके हैं, दस्तखाने लगा लिया, चावल भी आ गए हैं, टिक्के भी रेडी हैं, बाकी जो है वो बन रहे हैं, अभी खाते हैं। अभी सख्त सर्दी की वजह से हाथ भी अब मेरे काम पर हैं, तो खाना खाते हैं। टिक्के भी साथ साथ खाते हैं। आप इधर आए ना, 2000 years later. हाँ तो भाई बस फाइनली सारा सामान हमने रख दिया गाड़ी में, सारी चीज़ें हो गई पैक। और ये दो भाई थे हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेसम। और आपका? नईम। ये दो जैसे भाई आपने चावल जो थे ना बड़े मज़ेदार से बनाए थे, तो आप लोगों ने किसी ने भी यहाँ पे आना हो तो आप आ सकते हैं। इनका नंबर जो है ना वो मैं इनसे लेकर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे कैंपिंग की जगह भी आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, बाकी इनका होटल खाना छाना ये बनाते हैं बड़ा बेहतरीन सा। तो ठीक है इंशाल्लाह भाई दोबारा हम आएंगे आपके पास ज़रूर। ठीक है चलें अभी हम चलते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़। आपने उनका तौलिया नहीं वापस किया? चले बस निकलते हैं। तो बस गाड़ियाँ हड़ियाँ कर ली हमने स्टार्ट। ये मैंने मौसम भाई से चादर जो थी वो रेंट पे ली थी, क्योंकि बहुत शदीद किस्म की सर्दी थी, मैं तो काम पर आता। तो अभी रात हो चुकी है, वो सामने चांद अभी बादलों भी छुप चुका है और अभी मौसम जो है वो और मज़ीद ठंडा होता जा रहा है, होता जा रहा है। अभी टाइम तकरीबन हो चुके हैं, है क्या टाइम हो रहा है जी, टाइम हो रहा है 8:00 हैं और बस गाड़ी बैठते हैं और निकलते हैं चलास के लिए। हाँ तो भाई फाइनली गाड़ी के पास हम पहुँच गए। आप जाके सको तो लिया दे देंगे नीचे से। तो नाज़रीन अभी हम लोग वापस जा रहे थे, अभी हम लोग हैं गिलगित सिटी के अंदर, ये मेन मार्केट है और यहाँ पे एक बेकरी आइसक्रीम आ रही, इसका दिल और था कि आइसक्रीम खानी है, तो अभी हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। हाँ तो भाई सामान हम लेके पहुँच चुके हैं, आइसक्रीम तो हम समझ रहे थे दूसरी वाली हैं बट वो वही थी कॉर्नेटो वगैरह थी, तो फिर हारिस भाई ने आइसक्रीम भी ले ली, पेस्ट्रीज ली हैं और मैंने ये ली हैं 3 sundaes, ये खाएंगे। तो नाज़रीन अभी हम लोग यहाँ रास्ते में रुके हैं पिछली ब्रेक के लिए, तो बस अभी यहाँ से हम तक में टाइम हो चुका है 9:40 और अभी हमें फ़ोन आया था कि आगे जो है ना जगलोड के पास वो रास्ता हुआ है बंद, क्योंकि वहाँ पर जो थाना लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है। खैर उन्होंने कहा कि आप लोग आते आते, हम लोग उस टाइम गिलगित सिटी में थे जब मैंने हम बेकरी में थे तभी फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा कि आपके आते आते जो है वो खुल जाएगा, तो होपफुली हम जब तक पहुँचे तो अल्लाह करे वो रास्ता खुला हुआ। तो बस अभी यहाँ से बाकी लोग आ जाए सारे, तो फिर अभी हम फिलहाल अपना संडे इन्जॉय करते हैं और अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो नाज़रीन फाइनली अभी हम लोग कैंप पहुँच चुके हैं
ये गेट खुल गया है, अभी हम जा रहे हैं अंदर। टाइम तकरीबन हो चुका है 12:25, ये सामने आप टाइम देखें, और अभी हम लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से पहुँच चुके हैं। तो नाज़रीन बस फाइनली अभी कमरे के बाहर में खड़ा अंदर जाते हैं, और अब सोते हुए मुझे भी बहुत सी नींद आई हुई है, और व्लॉग यहीं पे करते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ भी दिल के रिकमेंड में लिखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।